नमस्कार, मैं हूँ चंद्रकांता राजपुरोहित और आप सभी का एक बार फिर स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल CKR किचन में। तो आइए आज एक राजस्थान की ऑथेंटिक रेसिपी बनाते हैं। तो आज बनाने वाले हैं हम राजस्थान की मकई के आटे के बाफले। बहुत ही टेस्टी, हेल्दी और एकदम मक्खन की तरह ये मुलायम होते हैं, बिना दांत वाले भी आराम से खा सकते हैं और एक बार बनाकर आप 2 दिनों तक इनको यूज़ कर सकते हैं, ख़राब नहीं होते हैं। कुकिंग चैनल CKR किचन को आपने अब तक यूट्यूब पर सब्सक्राइब करके बेल आइकन नहीं दबाया तो प्लीज़ तुरंत कर लें ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचते रहें। तो फिर आइए फटाफट बनाते हैं मक्का के वाफले। तो 1.5 कप मकई का आटा लिया है और 1/2 कप ले लिया हमने गेहूं का आटा। तो मकई का आटा हल्का सा मोटा होना चाहिए, वैसे नहीं होगा तो भी चलेगा। इसमें थोड़ी सी 1-2 चम्मच आप सूजी मिलाकर उसको मोटा कर सकते हैं। तो मैंने हल्का सा दरदरा मोटा पिसा हुआ 1.5 कप मकई का आटा, 1/2 कप डाल दी इसमें हमने गेहूं का आटा और स्वाद के हिसाब से नमक 1/2 चम्मच हमने डाल दिया हल्दी पाउडर और 1/2 चम्मच के करीब डाल दिया हमने इसमें लाल मिर्च पाउडर। अब इसमें डालेंगे 1 चम्मच दरदरा कुटा हुआ साबुत धनिया और 1/2 चम्मच अजवाइन। थोड़ा सा हाथ से मसल लेते हैं, से अजवाइन की जो खुशबू और टेस्ट होता है ना बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये धनिया और अजवाइन हमने इसमें डाल दिया है। 1/2 चम्मच सौंफ डाल देंगे, 1/4 चम्मच लिया है मैंने यहाँ पे बेकिंग सोडा, वो भी डाल देंगे और अब ये 1 टेबल स्पून है देसी घी मेल्ट किया हुआ, 1/2 चम्मच इसमें और डाल देते हैं। लगभग 1.5 से 2 टेबल स्पून के करीब देसी घी डाल देना है इसमें मोइन के लिए, ताकि जो बाफला है वो एकदम सॉफ्ट बनेंगे। अच्छे से मसालों को और मोइन को मिक्स कर लेंगे और अब इसको गर्म पानी से हमें मुलायम आटा गूंथना है। तो पानी उतना गर्म रखें जितना आप हाथ से उसको टच कर सकें और रोटी की तरह जो आटा होता है सॉफ्ट, बिल्कुल वैसा ही मुलायम आटा आपको लगाना है। आटा अगर सख्त होगा तो बाफलों में क्रैक्स भी आएंगे और बाफले थोड़े से हार्ड भी हो जाएंगे। हमें एकदम सॉफ्ट मुलायम बाफले बनाने हैं। तो सभी चीज़ें अच्छे से इसमें मिक्स हो गई है, तो अब गर्म पानी थोड़ा थोड़ा इसमें मिलाएंगे और हाथ से मसल मसल कर इसका डो तैयार कर लेंगे। तो ये बाफले बहुत ही टेस्टी लगते हैं, बूढ़े बुजुर्ग जो इनके मुंह में दांत नहीं होते वो भी बहुत ही आसानी से इसे खा सकते हैं, इतने ज़्यादा ये मुलायम होते हैं। बनाने में आसान है और बहुत ही टेस्टी है। जब कभी कुछ स्पेशल बनाने का मन हो या गेस्ट आए तो आप ये दाल बाफले या कढ़ी बाफले बना सकते हैं। इसे दाल के साथ भी सर्व करते हैं, कढ़ी के साथ भी कर सकते हैं और ठंडे होने के बाद में ये दही या फिर चाय के साथ सर्व करें तो बहुत टेस्टी लगते हैं, हरी चटनी के साथ, लहसुन की चटनी के साथ, बहुत ही शानदार इनका कॉम्बिनेशन है। इसको बना के सफ़र में भी ले जा सकते हैं, 2 दिनों तक ये ख़राब नहीं होते हैं। तो हाथ से मसल मसल कर इसको गूंथना है ताकि आटा है ना इसमें एकदम चिकनाहट आ जाए, क्रैक नहीं रहे। मक्का और बाजरे का आटा होता है उसको थोड़ी सी बाइंडिंग की ज़रूरत पड़ती है, तो बस हाथ से मसल मसल कर इसको गूंथें। और मकई का आटा हमारी हेल्थ के लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद है। तो मैंने अपने YouTube चैनल पर मकई की और भी तरह की रेसिपीज अपलोड की हुई है, जैसे कि मक्का की मसाला बाटी, मकई की पूड़ियाँ, मकई के परांठे, मकई आटे के परांठे, मकई आटे के ढोकले और भी बहुत सारी रेसिपीज़। तो एक बार जाकर YouTube पर CKR किचन को सर्च करके विज़िट ज़रूर करें। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी सारी रेसिपीज़ बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। पसंद आए तो रेसिपीज़ को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि मेरे सारे नए वीडियोज़ आपके पास सबसे पहले पहुँचते रहें। तो बस यही कोशिश होती है कि कम मेहनत, कम समय और कम सामग्री में ज़्यादा हेल्दी और टेस्टी रेसिपीज़ मैं आप तक पहुँचाऊँ। तो अपना सपोर्ट बनाए रखें ताकि मैं अपनी कोशिश में कामयाब हो सकूँ। तो एकदम मुलायम हमने डो तैयार कर लिया, थोड़ा सा पानी का छींटा लगा के इसको ढककर छोड़ देते हैं 10-15 मिनट के लिए ताकि अच्छे से सेट हो जाएगा। तब तक हम आगे की तैयारी करेंगे। बाफलों को हमें पहले स्टीम करना है, तो एक कढ़ाई में हमने पानी भर लिया है। ये देखिए 15 मिनट हो गए हैं, पानी में उबाल आ रहा है। तब तक 15 मिनट के बाद में थोड़ा सा हाथ पर घी या फिर तेल लगा लें और इसको थोड़ी सी बाइंडिंग दे देंगे।
ताकि बाफलो में क्रैक ना आए। और अब मीडियम साइज़ की बाफला बाटी बना के तैयार करेंगे। तो हाथ को चिकना कर लेंगे और एकदम स्मूथ बाटी बनाएंगे बिना क्रैक वाली। बहुत ज़्यादा बड़ी या बहुत ज़्यादा छोटी नहीं, मीडियम साइज़ की मैं बना रही हूँ ताकि इसको स्टीम होने में पकने में ज़्यादा समय ना लगे और खाने वालों को भी सुविधा रहे कि बहुत बड़े साइज़ का कोई खाना ना चाहे, पूरा ना खाना चाहे। जैसे कि हम बच्चों को सर्व करते हैं तो फिर बहुत बड़े साइज़ की होती है तो वो पूरी नहीं खा पाते हैं। तो ये देखिए स्मूथ बाटी बना के बीच में थोड़ा सा हम जगह बना लेंगे, इससे फटाफट से स्टीम हो जाती है, कच्चे रहने के चांसेस नहीं रहते हैं। तो बस इसी तरीके से सारे बाफले हम तैयार कर लेंगे। मैंने अपने चैनल पर और भी कई तरह की बाटी की रेसिपीज भी अपलोड की हुई है, जैसे कि इंदौरी बाफला, बिहार की लिट्टी चोखा, आलू मसाला बाटी, राजस्थान की पारंपरिक कंडो यानी कि उपलों पर सेके जाने वाली बाटी। तो एक बार जाकर विजिट ज़रूर करें। तो ये देखिए पानी में उबाल आ गया, तो इसके ऊपर हम कोई भी जाली छलनी लगा देंगे। मैंने स्टील की जाली लगा ली इसके ऊपर। अब इसके ऊपर बाफले रख देंगे और थोड़ा सा 2 मिनट खुला ही इनको स्टीम होने देंगे। उसके बाद में ढक कर 15 से 20 मिनट इनको स्टीम होने देंगे हम। कई बार मकई वाले बाफलों को अगर पानी में डिप करके हम उबालते हैं तो उनमें क्रैक आ जाता है, फट जाती है बाटी कई बार। तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है कि बाटी हमारी फटे भी नहीं, बहुत ही अच्छे से स्टीम हो जाए। इसलिए हमने नीचे पानी रख कर ऊपर जाली पर इनको रख दिया है और इनको हम स्टीम कर लेंगे 15-20 मिनट के लिए। तो ढक देते हैं, मीडियम टू हाई कर लेंगे फ्लेम को और हाई फ्लेम पर इसको 15-20 मिनट स्टीम होने देंगे। आपके पास अगर कोई स्टीमर है तो आप उसमें भी कर सकते हैं, और स्टीमर नहीं है तो इस तरीके से किसी कढ़ाई या भगोरी में जाली लगा के और उस पर बाफले रखकर ऊपर से ढक्कन लगा दें। ये देखिए 15-20 मिनट के बाद में चाकू या फिर आप टूथपिक से चेक कर लें अगर उस पर आटा लगा हुआ नहीं आ रहा है, यानी कि अच्छे से ये हो गए हैं। तो हमने बाफले निकाल दिए हैं, बर्तन में ठंडे कर लिए थे पंखे के नीचे, अब अच्छे से ड्राई हो गए हैं। तो अब इनको हम सेक लेंगे। तो ये बाटी मेकर है, बाटी मेकर में मैं सेक रही हूँ। अगर आपके पास बाटी मेकर नहीं है तो आप माइक्रोवेव या फिर OTG में सेक सकते हैं। अगर वो भी आपके पास अवेलेबल नहीं है या उसमें नहीं बनाना चाहते हैं तो आप मोटे तले वाली कढ़ाई में भी इसको सेक सकते हैं। वो भी तरीका मैंने अपने चैनल पर अपलोड किया हुआ है कि कढ़ाई में बाटी कैसे बनाएं बिना ओवन, बिना बाटी मेकर के। मोटे तले की आप कढ़ाई ले लें, उसको थोड़ा सा घी से चिकना कर लें और ये बाटियाँ लगा दें। थोड़ी थोड़ी देर में पलटते रहें और बाटियों पर भी हल्का हल्का सा घी लगाते रहें। तो आप देखेंगे कि 15 से 20 मिनट में आपकी बाटियाँ बिना किसी ओवन और बिना किसी बाटी मेकर के ही सिक्के तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पे हल्का सा इसमें चिपक रहा है क्योंकि एक बार जब बाटी हम लगाते हैं ना तो हल्की सी सिकने से पहले कई बार चिपकती है। एक बार जब ये हल्की सी सिक जाएगी तो फिर ये चिपकना बंद हो जाती है। तो फर्स्ट टाइम जब इनको पलटते हैं तो ये हल्की सी चिपकती है। तो एक बार हल्की हल्की सी सेक के पलट लेंगे और फिर इसके ऊपर हल्का सा देसी घी लगा देंगे, हल्का हल्का सा, ताकि ये इजीली सिक जाए। और देसी घी लगाने से एक बहुत ही अच्छा सा बाटियों में कलर भी आ जाता है। तो हल्का हल्का सा, नाम मात्र के हिसाब से लगाना है, बहुत ज़्यादा इस पर घी आपको डालना नहीं है। बस हल्का सा इसके ऊपर कोटिंग हो जाए कि वो चिपके नहीं और एक अच्छा सा कलर ले लेगी बाटी। अब वैसे तो हमारी बाटियाँ स्टीम है, स्टीम की हुई है, कच्ची तो बिल्कुल नहीं है। बस इसको आपको एक अच्छा सा कलर और टेस्ट देना है तो उसके लिए इसको लगभग 15 मिनट के लिए हम थोड़ी थोड़ी देर में पलटते हुए अच्छे से सेक लेंगे चारों तरफ से। तो 2-2 मिनट के अंतराल में इसको पलटते रहें। तो ऊपर ऊपर से एक बार सिक गई है तो अब इसको ढककर सिकने देते हैं, 2-3 मिनट के अंतराल में पलटते रहें।
ये देखिए इसको थोड़ा सा पलटने में समय हो गया था तो ये थोड़ी सी डार्क होनी शुरू हो गई है, तो इनका पलटने में थोड़ा आपको ध्यान रखना होता है, दो दो मिनट के अंतराल में इनको पलटते रहें। देखिए बहुत ही शानदार बाटियों का कलर आ गया है, और ये बिना किसी चीज़ के ऐसे ही अगर इसके ऊपर देसी घी लगाकर इसको खाया जाए किसी भी चटनी के साथ या दही के साथ बहुत शानदार लगती है, किसी दाल या कढ़ी की भी इसमें ज़रूरत नहीं है। वैसे राजस्थान में इसको दाल या कढ़ी के साथ सर्व किया जाता है, और इंदौर में तो दाल और कढ़ी दोनों के साथ इसको सर्व किया जाता है, हमारे राजस्थान में तो या तो फिर दाल या फिर कढ़ी होती है और साथ में मिर्ची का कूटा या फिर लहसुन की चटनी साइड में सर्व किया जाता है। तो इनको चारों तरफ से उलट पलट के जहाँ से आपको लग रहा है कि थोड़ा बाटियों ने कलर नहीं लिया है वो पोर्शन नीचे रखें, थोड़ा गैस को धीमा करके ढक देंगे दो मिनट। ये देखिए हमारी सारी बाटियाँ बहुत ही शानदार तरीके से सिक गई है, बहुत ही शानदार इसकी खुशबू आ रही है, तो इनको हम सर्व कर देते हैं। तो जिसे भी आप खिलाएंगे ना वो आपकी तारीफ करे बिना रह नहीं पाएगा, इतनी ज़्यादा टेस्टी और मुलायम और शानदार है ये। तो बस इन बाटियों के ऊपर हम देसी घी लगा देंगे, तो जितना आपको पसंद है उतना आप लगाएं, कम पसंद है तो इस तरीके से लगाएं, ज़्यादा पसंद है तो आप इसको बाटी को थोड़ा सा फोड़ कर हाथ से दबा कर घी में डिप करके भी निकाल सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्जी है। अब चाहें तो इसे दाल के साथ सर्व करें, कढ़ी के साथ, लहसुन की चटनी के साथ, दही के साथ, रायते के साथ, और चाहे तो ऐसे भी खा सकते हैं, चाय के साथ बहुत टेस्टी लगती है। ये देखिए कितनी ज़्यादा ये सॉफ्ट है, और अंदर से देखिए एकदम मक्खन की तरह मुलायम है, देखिए हाथ से दबा रहे हैं तो बिल्कुल ये गुलाब जामुन की तरह दब रही है। तो बिना दांत वाले जो लोग होते हैं ना, बूढ़े बुज़ुर्ग, आराम से इसको खा लेंगे।